जमशेदपुर की पूर्व विधानसभा क्षेत्र से विधायक सरयू राय के खिलाफ FIR दर्ज करा दी गई है। बता दें कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के उल्लंघन को लेकर रांची के डोरंडा थाने में मामला दर्ज करा गया है। ये FIR स्वास्थ्य विभाग के अवर सचिव के विजय शर्मा ने दर्ज कराया है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत कांड संख्या 105/22 और धारा 409, 479, 411, 120B, 420 के तहत FIR दर्ज किया गया है। ये मामला कोरोना प्रोत्साहन राशि से जुड़ा हुआ है। हमारे ऊपर FIR किया है, मंत्री के आदेश से किया है कि हमारे ऑफिस के फाइल से ये लोग कैसे डॉक्यूमेंट निकाल लिए, चोरी कर लिए, क्या कर लिए, उसी का एक FIR किया है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में। तो मैं तो खुश हूँ कि उन्होंने मेरे लिए एक निमंत्रण भेज दिया है। और ये लोग इतने मूर्ख भी हैं, और कहा जाता है कि कामातुरा नाम न भयम न लज्जा, जो कामातुर होता है उसको न डर होता है न लज्जा होती है। तो जिस फाइल में आपके भ्रष्टाचार के सबूत हैं वो कहीं बाहर आ जाता है, या जो फाइल सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आती है कि उसको कोई भी 10 रुपया दे के निकाल ले सकता है, तो ऑफिशियल सीक्रेट नहीं होता है। ऑफिशियल सीक्रेट के लिए सरकार तय करती है कि हमारा ये डॉक्यूमेंट ऑफिशियल सीक्रेट है। कोई नक्सल अभियान हो रहा है, उसका पेपर ऑफिशियल सीक्रेट है। सरकार की वित्त व्यवस्था के बारे में कोई कम्युनिकेशन है जो सीक्रेट है, रिजर्व बैंक के साथ है, वो सीक्रेट है। तो ये इसमें कौन सा सीक्रेट है और किसने बता दिया इन लोगों को? पूरा स्वास्थ्य विभाग ही भ्रष्टाचार के नशे में है और वहाँ के कर्मचारियों पर भय व्याप्त है। दरअसल कुछ दिन पहले सरयू राय ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के खिलाफ कोविड प्रोत्साहन राशि में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया था। जानकारी के अनुसार इसमें कोषांग के करीब 60 लोगों को गलत तरीके से कोरोना प्रोत्साहन राशि देने का आरोप लगाया था। इस मामले में CM हेमंत सोरेन से कार्रवाई की मांग की गई थी, जिसमें सरयू राय की तरफ से कुछ कागजात पेश किए गए थे। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि सरयू राय ने स्वास्थ्य विभाग से अनऑफिशियल तरीके से कागजात गायब करवाए थे। इतनी सूचनाएं मिल रही हैं इनके हर एक योजना में भ्रष्टाचार की, और जब मैं उठा रहा हूं तो ये बौखला गए हैं। बौखलाहट में जो निर्णय होता है वो सही नहीं होता है। इसलिए मंत्री को ये सोचना चाहिए कि उनके भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए उनके फाइल से कागज निकाल लेना, ये कहीं से भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में नहीं आता है। अब तो मान लिए हैं, बौखला गए हैं कि हमारे खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला पुख्ता हो गया है। इन्होंने विधि विभाग में फाइल भेजा था, विधि विभाग ने फाइल वापस कर दिया है और कहा है कि नहीं, गलत हुआ है। मुख्य सचिव के स्तर से मौखिक रूप से इनसे फाइल मांगी गई, इन्होंने नहीं दिया। उन्होंने लिख कर दिया मुख्य सचिव ने कि साहब आप फाइल हमको भेजिए, इन्होंने लिख दिया कि विधि विभाग में भेजा है, वहाँ से आएगी तो भेजेंगे। विधि विभाग से फाइल आए हुए कितना दिन हो गया, मगर उन्होंने भेजा नहीं है। विधि विभाग ने भी कह दिया कि आपने गलत किया है। तो ये भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जिसमें उनको लगता है कि हम दंडित हो जाएंगे, तो बौखला गए हैं। बौखलाहट उन्होंने FIR कर दिया है। तो ऐसा जो FIR है वह कूड़ेदान में फेंके जाने वाले रद्दी कागज़ के समान है। मैं तो ये सवाल उठाऊंगा कि उस थाना ने अगर FIR ले लिया है तो FIR लिया किस आधार पर? मैं तो DGP से बात करूंगा, मुख्य सचिव से बात करूंगा। हो सकता है कि इन्होंने दरखास्त दिया हो, भेजा हो, उसी को FIR मान लिया हो। थाना FIR दर्ज करता है तो उसके पहले उसको तहकीकात करनी पड़ती है कि FIR में दिए गए तथ्य सही है कि नहीं। विभाग का आरोप है कि ऐसी सूचनाएं सिर्फ RTI के तहत ही दी जा सकती हैं, लेकिन मामले में किसी भी तरह की RTI दाखिल नहीं की गई, इसीलिए ये पूरा मामला ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का उल्लंघन है। वहीं से पहले मंत्री बन्ना गुप्ता ने इस मामले पर सरयू राय को नोटिस भेजकर माफी मांगने को कहा था। ऐसा नहीं करने पर विधिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई थी, लेकिन सरयू राय ने नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया। नोटिस की मियाद खत्म होते ही मंत्री ने जमशेदपुर न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह मामला MP MLA कोर्ट में दायर किया जाएगा। इस मामले में अब नया मोड़ आ गया है। पंजाब केसरी TV के लिए जमशेदपुर से इंद्रजीत की रिपोर्ट।